डिस्ट्रिक्ट झंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर रहना लोग ख्वाहिश करेंगे कि हम इसके अंदर अपना घर बनाएं। हम जंग शहर को ना उसके लिए एक तोहफा लेके आ रहे हैं, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। लेकिन कमालिया, गोजरा, शोरकोट, हम इनको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहते हैं। सर, जो हमारा प्री लॉन्च का पेमेंट प्लान था ना, वो एंड यूज़र को देखते हुए डिज़ाइन किया गया था। लाहौर के पी एफ चेंज रेस्टोरेंट में अलमजर इस्टेट की जानिब से पार्क रेजिडेंशिया जंग में सोसाइटी के इफ्तिताह से कबल मुख्तलिफ बिल्डर्स और डी एच ए के डीलर्स और इन्वेस्टर्स के एहसास में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया। पुरतकल्लुफ इशाइये की तकरीब में पार्क रेजिडेंशिया जंग के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हाफिज अब्दुल सत्तार ने प्रोजेक्ट पर तमाम मेहमानों को ब्रीफिंग दी। तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, और हमारा एक प्रोजेक्ट है पार्क रेजिडेंशिया के नाम से, उसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले दोस्तों को ब्रीफ कर लूं। और दूसरा ये बताता चलूं कि मार्केट में आप दोस्त जानते हैं, चूँकि माशाल्लाह बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो काफ़ी देर से रियल इस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और मोर और लेस दोस्त जानते होंगे कि मैं भी बहरिया टाउन से स्टार्ट किया और अब तकरीबन 20 साल होने को हैं इसी इंडस्ट्री में, और तकरीबन सारे फॉर्मेट्स पर काम कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डील्स को डिज़ाइन करना, डील्स को मार्केट करना, सब दोस्तों को साथ लेके चलना, और ये एक अरसे से जब बहरिया टाउन का बूम था 2003-04 में, तब भी डीएचए के दोस्तों को बहरिया टाउन जब यहाँ से लोग डील करते थे और यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी और फिर साइट पे जाके लोग काम करते थे, तो मैं बहुत सारे दोस्तों को तब से जानता हूँ, तो बड़ी खुशी हुई आप दोस्तों को देख के। तो मैं अब आप दोस्तों को ज़्यादा टाइम नहीं लेता, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ, फिर उसकी आगे स्ट्रेटजीज के बारे में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। जी आगे चलिए। ये हमारी एक प्री लॉन्चिंग सेरेमनी थी, इसमें थोड़ा सा पॉज कीजिएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग इसकी हम कर चुके हुए, और अलीम भट्टी साहब थोड़ा सा शायद बताने में वो मिस कर गए। ये डीएचए के दोस्तों के लिए हम इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं, और ये प्रोजेक्ट जैसे आप दोस्त जानते हैं डील्स बनती हैं, पैकेट्स बनते हैं और पैकेट्स मार्केट होते हैं, और उसके अंदर से लोग अपना बिजनेस अर्न करते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में पिछले कुछ 2-3 महीने से डीएचए में काफ़ी मार्केट हुए हैं, सेल हुए हैं, साइट तक मौजूद नहीं होती और लोग जो है वो बिजनेस का बिजनेस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हवाले से एक क्रेडिबल प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट झंग का और उस एरिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और लोग अप्रूवल भी 300-400 कनाल बड़ी हर 500 कनाल से अप्रूवल शुरू करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1600 कनाल से इसकी शुरुआत है, और वहाँ पर हम 4-5-10 हज़ार एकड़ तक भी जा सकते हैं। और बाकी मैं ये थोड़ा सा आपको जो हमारा प्री लॉन्च है इसके हवाले से, मैं एक सेरेमनी हमारी नहीं थी, तो आप दोस्तों को जो हमारे साथ एसोसिएट्स हैं ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनके थोड़े से फीडबैक भी मैं आप दोस्तों के सामने रखना चाहूँगा। जी किसी भी सोसाइटी में ये एड्स नहीं है, और मुझे इस बात पर फख्र, सोसाइटी बहुत अच्छी सी पैक रोड पे आ रही है। ये जानने वालों का फ्यूचर है, एक मिशन है लोगों को डिलीवर करना। ऐसी सोसाइटी पूरे जहां में नहीं है जिसकी मेन बुलेवार्ड 240 फुट की रोड है और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। जंग में आज तक किसी ने मेडिकल कॉलेज में डिलीवर किया, इंशाल्लाह ताला पार्क रेजिडेंशिया वो भी वहाँ पे डिलीवर करेगी। उनकी सोच बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह कामयाबी। अप्रूव प्रोजेक्ट है, पहले इसी स्टेज पर लोगों को तरक्की करते देखा। इन्होंने अपनी दानिशमंदी और अकलमंदी से भी जगह सिलेक्ट की है, जो इन असूलों पर हुकूमत को खरीदना चाहिए। उन्होंने चौधरी सईद साहब को ऐसी सोच उन्होंने दी है, चंद्र क्रॉन की हैसियत से मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ। आप एक
मेहनती और अजम और हमेशा पूरा उम्मीद रहने वाले शख्स हैं। उनकी सोच हमेशा बहुत बड़ी रही। जिस काम के बारे में ठान ली पाया तकमील तक पहुंचाया। सबसे बड़ा बिलीव आपको होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत। अंदर के खौफ खत्म हो जाते हैं। मुश्ताक अहमद साहब है, उनकी दुआओं से और उनकी रहनुमाई से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। 35-40 साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो गलियां वो सड़कें वो माहौल तंग तो नहीं लगेगा। इस विजन के आने वाले डीलर हजरात ने पाक रेजिडेंशिया जंग से मुतालिक हाफिज अब्दुल सत्तार से मुख्तलिफ सवालात दिए, जिनका हाफिज अब्दुल सत्तार ने मुफस्सल और खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। तमाम डीलर हजरात ने हाफिज अब्दुल सत्तार की गुफ्तगू सुनने के बाद इस प्रोजेक्ट को कामयाब प्रोजेक्ट करार दिया। उनका कहना था की मुस्तकबिल करीब में पाक रेजिडेंशिया जंग बेहतरीन प्रोजेक्ट में शुमार होगा। शानदार और जबरदस्त इशारिया देने पर तमाम मेहमानों ने अलमजर स्टेट के CEO अलीम भट्टी का शुक्रिया अदा किया। आखिर में मेहमानों की तवाजो के लिए बेहतरीन खाने का एहतमाम किया गया। इस मौके पे निजाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफिज अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, किस तारुफ के मोहताज नहीं है और प्रॉपर्टी सेक्टर पे उनका बड़ा वसी तजुर्बा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में और आपका बड़ा वसी तजुर्बा भी है प्रॉपर्टी सेक्टर में, तो पाक रेजिडेंसिया जो जंग में कमिंग सून जो आप लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस वाले से? पहली बात तो ये है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट जंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह जो इसके फॉर्मेट है, इसके अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके जो डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड हैं वो किसी भी बड़े ब्रांड से कम नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मार्केट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इसको मार्केट के अंदर सक्सेसफुली काम करते हुए देखेंगे और इसके साथ जुड़ने वाले जो भी लोग होंगे, वो इन्वेस्टर्स हों, वो डीलर्स हों, वो कस्टमर्स हों, इंशाल्लाह सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए। चूँकि मैं खुद इस प्रोजेक्ट में पार्टनर भी हूँ और डायरेक्टर सेल्स हूँ, इस सारी सेल्स को और मार्केटिंग को मैं खुद देख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल मार्केट में देंगे जो मार्केट में जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुतमईन करेगा इंशाल्लाह। सर, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अब जहाँ जैसे अपनी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ पे भी ये जंग में मिलेगा पाकिस्तानी में सब कुछ? इसमें जो जंग का सारा इलाका है जिसमें टोबा भी साथ शामिल है, 18,000 मतलब जितनी तहसीलें हैं, कमालिया, तो वहाँ जब लोगों से डिस्कशन होती है तो पता चलता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ कम्युनिटी मौजूद है। तो ओवरसीज़ कम्युनिटी जो हमारी बाहर मौजूद है उनको हर वक्त ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत होती है जिसके अंदर वो एतमाद के साथ इन्वेस्ट करके और डिलीवर उनको प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं इस बात से। तो हमें फ़ख्र है इस बात पर कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस इलाके का एक बड़ा अच्छा और बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर रहना लोग ख्वाहिश करेंगे कि हम इसके अंदर अपना घर बनाएं। तो सर, जारी बात है, फिर जो प्रोजेक्ट कामयाब होगा, आपकी इतनी अंतक मेहनत है, आपका किसी तरह मार्केटिंग भी है, तो आप इसको दो लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगे पाक रेजिडेंसी जंग को? सक्सेसफुल मॉडर्नाइज्ड लिविंग है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अलीम भट्टी जो कि CEO है अलमज़र मार्केटिंग के, उनसे जानेंगे कि जो पाक रेजिडेंसिया जंग में सोसाइटी कमिंग सून लॉन्च होने जा रही है उसके बारे में वो हमें क्या बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है, आपकी तबीयत ठीक है जी? मैं जो पाक रेजिडेंसिया जंग में बनने जा रही है, बड़ा लोगों का चर्चा है कमिंग सून बड़ी शानदार जंग शहर में एक बनने जा रही है, तो क्या कहेंगे सारी चीज़ों को? और हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जारी बात उनके बड़ा एक अहम किरदार होता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जंग शहर को ना उसके लिए एक तोहफ़ा लेके आ रहे हैं। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। अभी फ़िलहाल जो है हम 1600 कनाल TA में अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स लेके आ रहे हैं। इसके बाद हम इस अपना कमर्शियल भी इसमें लॉन्च करेंगे। और सेकंड, ये हम एंड यूज़र के लिए प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं। आप हमारी 3 मरला की प्राइस देख लें, हम 6,75,000 रुपये का हमारा 3 मरले का प्लॉट है जिसकी बुकिंग सिर्फ 1,25,000 रुपये और उसकी महाना किस्त जो है 5,500 रुपये है, जो कि कम आमदनी वाला बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। मेरे ख्याल से अगर 200 रुपीज़ भी पर डे सेव करे तो महीने का 6,000 रुपया वो बन जाता है और 5,500 रुपया वो अपने प्लॉट की किस्त बना के एक अच्छी चीज़ बना लेता है, अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है। सर, आप अपनी जिम्मेदारी से, गारंटी से 100% कह सकते हैं कि सोसाइटी में कोई धोखा फ्रॉड नहीं है? जी, इसमें मैं आपको यही गारंटी दे सकता हूँ कि 9 या 10 तारीख को हम इंशाल्लाह ताला अपना लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारा बिल्कुल इस किस्म का कोई ना कोई किरदार है। आप हमारे लॉन्च पे आएँ, आप देखें कि हमने 1600 कनाल की बाउंड्री वॉल कंप्लीट है, ठीक है। हमारी जो बेड है लैंड के अंदर वो रेडी है। मेन बुलेवार्ड जो है अभी हमारा
वो हमने सारा खींच दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लाउंज पे हमारे पे आते हैं तो आप वो पिक्चर देख के आपको सारी रियलिटी क्लियर हो जाएगी कि ये धोखा है या रियलिटी है, ठीक है। मतलब 100% यहाँ पे आंखें बंद करके हम लोग जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उसमें पाकिस्तानी है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आंखें बंद करके। और बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर फिज़िकली हमारी साइट को एक दफ़ा देख लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल हमें भी आपको गाइड करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली उसमें इन्वेस्ट करोगे। आज की मटिकल का सोना जी, तो ये साबित होगी? जी बिल्कुल, ये साबित होएगी। बेसिक अगर हम अपनी सराउंडिंग में देख लेते हैं तो हमारी सराउंडिंग में जो हमारे कंपटीटर्स बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी प्राइजेस बहुत हाई हैं, 5-5.5 लाख रुपए मरला से उनकी प्राइजेस स्टार्ट होती हैं, जबकि हमारी प्राइस 1,90,000 रुपये से लेगी तो 2,25,000 रुपये तक मैक्सिमम जाती है। और सेकेंड चीज़ कि इसकी सराउंडिंग में हम अगर अपने लेफ्ट राइट देखते हैं तो हमारे बिल्कुल अपोजिट जंग कैडेट कॉलेज है, उसकी बड़ी अच्छी फुटफॉल है, ठीक है। और दूसरा हम अंदर सोसाइटी के अंदर हम खुद जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो हॉस्पिटल है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए हमारी साइट को और देख के फिर डिसीजन लेना चाहिए। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद अलीम भट्टी, CEO अलमज़र मार्केटिंग। इनका कहना था कि पाक रेजिडेंसिया जंग में जो ये सोसाइटी कमिंग्स को लॉन्च होने जा रही है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई धोखा या फ्रॉड नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुहेब चदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज जो ये शानदार इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम का इनका किया गया जिसमें मतलब जितनी भी डीलर बरादरी ने पार्टिसिपेट किया है, बिल्कुल, तो कैसे देख रहे हैं आज, कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको पाक रेजिडेंसिया जो कमिंग सून लॉन्च होने जा रही है जंग में? अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें हमारी डीलर बरादरी की तरफ से। हम लोग बेसिक इस इवेंट का मेन मकसद हमारा ये था कि हम अपने जो DHA के डीलर्स ब्रदर्स हैं उनको गैदर करें और अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक इंट्रो दे सकें, तो वो जो हमारा मकसद था, जो हमारा मिशन था, वो कंप्लीट हुआ है, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है जी। और लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया है, हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब की प्रेजेंटेशन लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंगली सुनी है। और मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि एक चीज़ होती है ट्रेंड सेटर। हम लोग जंग जैसे इलाके के लिए ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो लोग लाहौर में या इस्लामाबाद में लिविंग स्टैंडर्ड इन्जॉय कर रहे हैं वही लोग जंग में रहते हुए या उसके सराउंडिंग में, कमालिया है, गोजरा है, फैसलाबाद तो खुद एक बड़ा शहर है, लेकिन कमालिया, गोजरा, शोरकोट, हम इनको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहते हैं। सर, जैसा कि अभी महंगाई का भी बड़ी अरूज पे है, बिल्कुल, तो अब जो कम आमदनी अफराद हैं क्या वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? सर, जो हमारा प्री लॉन्च का पेमेंट प्लान था ना, वो एंड यूज़र को देखते हुए डिज़ाइन किया गया था, तो आप जो हमारा सबसे मिनिमम बुकिंग रेट था वो 1,25,000 रुपया था और 3 मरले की प्राइस जो हमारी थी वो 6,75,000 थी और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी वो 5,500 पर मंथ थी। तो मेरे ख्याल में ये एक इतनी इकोनॉमिकल है कि एक कम से कम सेविंग वाला इंसान भी अपना प्लॉट वहाँ पे ले सकता है। अली मोहम्मद, डायरेक्टर अलमज़र मार्केटिंग, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आज माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त शानदार यहाँ पे इवेंट हुआ, एक गेट टुगेदर यहाँ पे जो था डीलर्स रात का, तो ये पार्क रेजिडेंसिया जो है अपकमिंग सून सोसाइटी लॉन्च होने जा रही है, तो क्या कहेंगे सवाल से? एक अच्छी सोसाइटी है, जंग में पहला ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो हम इंशाल्लाह डिलीवर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बेरिया टाउन हमारा एक ऐसा एज आ मॉडल कह सकते हैं, एज आ मॉडल सोसाइटी है बेरिया टाउन, जिसके तर्ज पर हम ये सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। और 1600 कनाल इस टाइम हमारे पास अप्रूव्ड है और मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा लैंड को अप्रूव करके सोसाइटी बनाता है। तो अलमज़र का क्या किरदार है? अलमज़र का इसमें ये किरदार है कि हम इसमें लैंड जो है उसमें हिस्सेदार ये कह सकते हैं, लैंड के जी। तो क्या ये एक हमारे जो कम आमदनी अफराद है वो भी इससे मुस्तफ़ी हो सकते हैं? इसे क्या कहते हैं, दोनों ही मुस्तफ़ी हो सकते हैं, कम आमदन वाले भी और ज़्यादा आमदन वाले भी। जिस तरह के अब हमारी जो 3 मरला थी वो 3 मरला 1,25,000 से उसकी बुकिंग स्टार्ट हो रही थी और मेरा नहीं ख्याल कि 1,25,000 रुपया कोई एक नॉर्मल बंदा नहीं भर सकता और 5,000 रुपया मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट थी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस तरह उसमें इन्वेस्ट। जी हाफिज़ सरजील साहब हमारे साथ मौजूद हैं अलमज़र डेवलपर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं।
क्या दृश्य देख रहे हैं पार्क रेजिडेंशिया जंग में कमिंग सून जो सोसाइटी लॉन्च होने जा रही है? जी सर, पार्क रेजिडेंशिया के हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूं कि हमने जो है काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के ऊपर पहले काम किया है, लेकिन वो हमारे अपने जाति प्रोजेक्ट नहीं थे। लेकिन पार्क रेजिडेंशिया जो है ये हमारा अपना खुद जाति प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। इसके हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ, इसकी जो एंट्रेंस है मेन गेट, उसके हवाले से मैं गाइड करूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेट हम वहाँ पर बनाने जा रहे हैं, और 150 फीट इसका जो है वो रोड है, जो मेन एंट्रेंस रोड है, उसके अलावा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी सहूलियात जो जंग जैसे शहर के अंदर हम देने जा रहे हैं। और इसकी अप्रोच के हवाले से भी मैं आपको गाइड करूं, कोई इतना ज़्यादा लंबी नहीं है, टोबा इंटरचेंज से सिर्फ 10 मिनट्स की ड्राइव पर और अपना बिल्कुल टोबा इंटरचेंज से सिर्फ ये 10 किलोमीटर की ड्राइव पे है और जंग शहर से सिर्फ ये 5 मिनट की ड्राइव पे है। और इसके अंदर बहुत सारी सहूलियात दे रहे हैं, जिस तरह हॉर्स राइडिंग होगी और कम्युनिटी सेंटर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट आपको बहुत सारी सहूलियात से रास्ता करेगा। तो सर, क्या ये जो हमारे ऑफिस पाकिस्तानी हैं, जिस तरह के एसोसिएशन को वहाँ पे ऑफिस पाकिस्तान में ऑफिस में मिलती हैं, तो उस तरह के एसोसिएशन क्या इस सोसाइटी में मिलेंगी, पार्क रेजिडेंसिया जंग में मिलेंगी? सर, ओवरऑल आप देखें ना, लाहौर या किसी और डिस्ट्रिक्ट या सिटी की तरफ आप देखते हैं तो उधर बहुत सारी सहूलियात दे दी हैं। इस शहर के अंदर, जंग के अंदर हम फर्स्ट वो ये प्रोजेक्ट है जो ये सारी सहूलियात से जो है ना इसको आगाह कर रहा है, ठीक है। और फर्दर जो है इंशाल्लाह ताला हमारा इसके ऊपर प्रॉपर ये गौर कर रहे हैं कि हम इसकी किसी भी चीज़ को जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो हम आपको वहाँ पे दें। जिस तरह आपको मैंने बताया, अंडरग्राउंड वायरिंग, हॉस्पिटल्स, हर चीज़ जो आप करेंगे, जो हम दिखाएंगे वो करके देंगे इंशाल्लाह ताला। सर, बुरहान हिल स्टेट से मोहम्मद अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज जो यहाँ पर एक खूबसूरत इवेंट का यहाँ पर इनका किया गया, पार्क रेजिडेंसिया जंग में कमिंग सून लॉन्चिंग होने जा रही है, उसी सिलसिले में तकरीब थी, क्या कहेंगे इस वाले से आप? सर, जो आज की तकरीब थी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी, और ये सिर्फ ये था कि जहाँ के जो डीलर थे DHA के, उनको ब्रीफ करना था कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है पार्क रेजिडेंशियल जंग में, उसके बारे में ब्रीफ करना था कि वहाँ पर जो इतने लोएस्ट रेट हैं, वहाँ पर जो जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं उसको ब्रीफ करना था। और आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, और अल्लाह पाक इसको कामयाब करें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। इससे आप पाकिस्तान से को फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? फ्यूचर में इसको बहुत अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो इसके प्री मैच्योर जो रेट आए हैं बहुत ही लोएस्ट रेट है, जो हम हर आदमी की पहुँच में है, मतलब जो एक बेचारा गरीब से गरीब आदमी जो है उसकी भी पहुँच में ये है। तो इंशाल्लाह ताला ये आगे आने वाले वक्त में ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरशद अजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किस तारुफ के मोहताज नहीं है, अरसा दराज से प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं और बड़ा वसी तजर्बा है इनका प्रॉपर्टी सेक्टर में। सर, क्या आप देख रहे हैं आज जो गेट टुगेदर यहाँ पर रखा गया है पार्क रेजिडेंसिया जंग में जो सोसाइटी बनने जा रही है कमिंग सून, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का, जिन दोस्तों ने ये इवेंट किया। ये जंग से कोई 6-7 किलोमीटर बाहर है, और मोटरवे इंटरचेंज जो टोबा और जंग का है वहाँ से 9 से 10 किलोमीटर टूवर्ड जंग है। वहाँ पे जंग में कोई भी आज तक ऐसी सोसाइटी नहीं है। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो वहाँ घर बनाना चाहते हैं, और एज़ ए डीलर हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन्होंने यहाँ पर किया, एक इवेंट किया, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह विज़िट भी करेंगे, और वो मेरा एरिया है वो, और बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। और पूरे जंग में जो भाई ने बताया कि सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, डेफिनेट जो सोसाइटियां आ रही हैं, अगर आप वहां टोबा के इंटरचेंज पे उतरे तो 1 किलोमीटर राइट पे लेफ्ट पे जाएं तो वहां पे रायल के नाम से एक सोसाइटी है, वहां पे 4 से 5 लाख पर मरला है, और इन्होंने जो रेट दिया है 275, ये बहुत अच्छा है। और फिर इनका जो प्लान है 5 साल का, ये मेरे ख्याल 6 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ किस्त बनती है। ये बहुत अच्छा प्लान है और लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और डेवलपर भी बहुत अच्छे हैं, और इंशाल्लाह ये डिलीवर भी होगा। होपफुली हम लोगों को ये बिज़नेस भी मिलेगा, और जंग के लिए ये बहुत खैर कार होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इम्तियाज़ सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज जो यहाँ पे पार्क रेजिडेंसिया जंग की जो तकरीब रखी गई, यहाँ पे एक गेट टुगेदर का जो यहाँ पर एहतमाम किया गया, तो कैसे देख रहे हैं ये कमिंग सून सोसाइटी आ रही है जंग में? देखिए, मैं खुद भी जंग से बिलोंग करता हूं, और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि जंग में इस तरह की सोसाइटी आ रही है। जिस तरह का मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह हमें ब्रीफिंग मिली है और उसकी लैंड अप्रूवल और वाइड वर्थ जो बुलेवार्ड वगैरह दे रहे हैं, स्पेशल उसकी अप्रोच
मैं समझता हूँ कि जंग और टोबा दोनों को लिंक करती है और बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है मोटरवेज के हवाले से अगर देखते हैं और जंग सिटी के हवाले से। और जंग में जिस तरह के सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है और वहाँ पर इस तरह की सोसाइटी अगर लॉन्च होती है तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त और कामयाबी इंशाल्लाह इसके बिल्कुल नियरेस्ट आप समझते हैं कि इसको जल्द ही कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये ज़रूरत थी जंग में और इस तरह की सोसाइटी जंग में बहुत कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिस्टर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे दिख रहे हैं पार्क रेजिडेंसिया जंग में कमिंग सून ये सोसाइटी लॉन्च होने जा रही है, तो किस तरह देख रहे हैं और उसको फ्यूचर में कैसे देखेंगे? सर ये प्रोजेक्ट जंग के लिए एक रेवोल्यूशन है। जिस तरह का प्रोजेक्ट इस लेवल का प्रोजेक्ट बैरियर टाउन लेवल सिटी हाउसिंग लेवल का प्रोजेक्ट आप देखें, नाउ आई एम टेकिंग नेम ऑफ बैरियर टाउन, आज से 20 साल पहले लोग नहीं जानते थे। इट ब्रॉट रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची और इसी तरह सिटी हाउसिंग। नाउ दिस प्रोजेक्ट एंड फॉर जंग दे आर लोकलाइट्स फ्रॉम जंग, तो आई थिंक दैट दे कैन डिलीवर इट एंड दिस वुड बी वेरी गुड गिफ्ट फॉर द पीपल ऑफ जंग, लाइक द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट and you know the construction and the development, it is amazing. So if message, it is delivered. So any message for overseas Pakistani who want to invest in Park Residencia? I think that this is a great opportunity in very less amount. The returns would be just like barrier town and city housing, and inshallah these people are very you must say they are the localites and they know the dynamics of the city as well. So I think that it is a very good opportunity for them to grab it right now. So what about the, what to say about the Al-Mazhar developers? Al-Mazhar develop, I just told you that they are the localites and they know the dynamics and they are doing business in Lahore and all the other major cities of Pakistan. So now they thought of bringing the cream back to the city where they belong, and this would be a gift for the people. It's good news for Jhang. It is a very good news for Jhang. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अच्छी तो नाजिम का कहना था कि जो जंग में ये पार्क रेजिडेंसिया जो बनने जा रही है, तो ये एक जंग की एक यूनिट मुनफरिद जो सी एक सोसाइटी बनने जा रही है, आप जरूर इसमें इन्वेस्ट करें। घर वही मजबूत होते हैं जहां रिश्ते मजबूत हों। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।